प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे एक जबरदस्त डिस्कशन पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजी अलाई खान के बीच। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाजिया इलाही खान और प्यारी सी नाजिया जायसवाल। बहुत दिनों के बाद आई है नाजिया, से आपसे नाराज हूँ, लेकिन ये कि मुझे पता है बिजी होंगी डेफिनेटली, वरना हमने पहले शो कर लिया होता। बहुत से लोग मिस कर रहे थे नाजिया को मेरे चैनल पे, और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की और भारत के रिलेशंस की, जो कि कहा ये जा रहा है। नाजिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला और आप आई हैं। लेकिन आई फील वेरी मच ऑनर्ड। और आरजू जी, क्या होता है कि आप लोगों के साथ बैठने से जो भारत के सही एक्चुअल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मैं शेयर कर पाती हूँ। अदरवाइज पहले क्या होता था कि जो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते थे वही पाकिस्तान को सुनना पड़ता था और वही समझ लेना पड़ता था। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है भारत में और कितने चौड़े में है मुसलमान यहाँ पर, इसकी सच्चाई और इसका पर्दा तो मैंने खोल करके दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का। थैंक यू सो मच। एक तो नाजिया मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस की बात की जा रही है, आजकल फ्लड है और कहा यह जा रहा है कि जी भारत की वजह से फ्लड आ गया बांग्लादेश में, क्या कहेंगे? आपके सिर्फ प्रोवांस में भी तो 1964 के बाद ऐसा फ्लड आया है और काफी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर के काफी लोगों की जान भी जा रही है और मतलब और सरकार जो है वो ध्यान भी नहीं दे रही है। 1964 के बाद ऐसा फ्लड आया है सिंध प्रोवांस जो आपका पाकिस्तान का है, तो क्या उसमें भी भारत ने भगवान को बोल दिया था कि यहाँ पर फ्लड आ जाना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अगर वाकई में सुपर नेचुरल चीजों पे कोई जाना चाहता है और ऐसे ऐसे टिप्पणियां बेवकूफाना टिप्पणियां कर रहा है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जिस बेदर्दी से बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने, रजाकार ने और इस्लामिक जो टेररिज्म माइंडेड के प्रीचर और क्लेरिक है, अगर जिस हिसाब से उन्होंने प्रोवोक करके हिंदुओं को का रेप करवाया, बहु बेटियों को मरवाया, तो इसलिए बद्दुआ लग गई है, कर्स लग गया है, इसीलिए इतना गंदा फ्लड आया होगा, अगर सुपरनेचुरल बात पे जा रहे हैं तो। क्योंकि मैं सुपरनेचुरल बात को बिल्कुल नहीं मानती, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं प्रैक्टिकल बातों को ही एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए कुदरत है, अगर मौत है, हयात है, तो सैलाब भी है, बारिश भी है, फ्लड भी है, धूप भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और इंट्रीम सरकार जिस हिसाब से फेलियर साबित हो रही है, वो हम ऐसी उम्मीद कर भी रहे थे, क्योंकि इंट्रीम सरकार जो आई थी उसने कहा था कि वो मात्र 24 घंटे के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है वो रोक दिया जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इंट्रीम सरकार जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा भी कि नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगे। पर एक बार प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के बाद किसको छोड़ने का मन करता है? तो अभी फिर से हिंदुओं पर बहुत अत्याचार वहां पर हो रहा है। लेकिन आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि उस चीज को के ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो भारत आ सकते हैं, लेकिन अब जो है वह सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हम यही देख रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में अब वो पहले जैसे रिलेशंस दिखाई नहीं देते, कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो दिखती है, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भी जो है वो भी भारत में है। तो आपको लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है या आएगी उसके साथ जो है वो ममता बनर्जी का की कोई बात होगी या मोदी जी की कोई बात होगी? नहीं, ममता बनर्जी तो इस बीच में कहीं पर आ ही नहीं रही है, वो एक फॉरेन पॉलिसीज है, वो एक फॉरेन डिप्लोमेट के बीच में बात होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात हो सकती है, डॉक्टर एस जयशंकर जी की बात हो सकती है, अजीत डोवल जी की बात हो सकती है। NSA वो ऑफर तो कर रही थी ना, वो ऑफर तो अपनी तरफ से उन्होंने दे दी थी। देखिए अब
कोई उठ करके कह दे कि भाई नाजिया अली खान एंजेलिना जॉली दिखती है तो मैं उसको थोड़ी रोकने जाऊंगी। तो उसी तरीके से ममता बनर्जी जो है वो उठ करके आकर के अपना टांग घुसाने की कोशिश करती हैं। तो हालांकि शेख हसीना जब वहां पर थी ही तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनको बहुत लताड़ा था और गैजेट भी भेजा गया था बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कि ये आप क्या कर रही हैं, ये तो आप जिहादियों को दावत दे रही हैं और ऐसे वजूहात पैदा कर रही हैं कि अगर कोई जाता है बांग्लादेश से और उसमें से अगर कोई रजाकार होता है, कोई हिफाजतुल इस्लाम वाला होता है या कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है या कोई जमात इस्लामी वाला होता है तो फिर भारत की सरकार हमें कुछ ना बोले। और जैसे ही तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को भागना पड़ा तो उसी के 23 मिनट के बाद ममता बनर्जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो केंद्र की सरकार करेगी हम वो अग्री करेंगे, हम वही करेंगे, हमको और कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं सोचना है। तो कहीं ना कहीं उनको डर लग गया, उनको समझ में आ गया कि भैया ये जो मैंने बीच में टांग घुसाया था वो गलत था। तो देखिए संवैधानिक तरीके से और हमारे जो पार्लियामेंट्री पीपल एक्ट है और पार्लियामेंट्री जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ममता बनर्जी का कोई अथॉरिटी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि इस मुद्दे पर वो बात करे, कोई अथॉरिटी ही नहीं है। और अगर वो कर रही है तो वो असंवैधानिक स्टेटमेंट दे रही है जिसको बिल्कुल भी वैल्यू और महत्व नहीं दिया जा सकता है। अब आती है बात जो आपने बहुत खूबसूरत बात पूछी है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज से नहीं 2014 से इस बात को बता रहे हैं, जीरो टॉलरेंस 2014 से इस बात को बता रहे हैं कि जो देश भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट को पालेगा पोसेगा उसके साथ भारत के रिश्ते नहीं अच्छे हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे हो सकते हैं। अभी हालिया में हम लोगों ने देखा था मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत अजीब सी बातों का आगाज किया था, लेकिन जब वो घुटने टेक करके माफी मांगे तो फिर डॉक्टर एस जयशंकर गए और बातचीत सब संभल गई, अब सारी चीजें बेहतर है। खतर में देखिएगा कि 2023 में खतर के जो सरकार है उन्होंने हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के फांसी के फंदे तैयार किए थे, लेकिन जैसे ही वो उनको मोदी जी की बात समझ में आई उन्होंने उनको बाइज्जत यहाँ भेजा और फिर मोदी जी को इनवाइट भी किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उनके इनविटेशन में भी गए, चीजें बहुत बैलेंस्ड हैं, बाइज्ड नहीं है अब बैलेंस्ड है। ईरान में आप देखिए कि मिशाल का जिस हिसाब से हत्या हुई, बहुत सारी महिलाओं का निकाब को लेकर के हत्या हुई, अब धीरे धीरे ईरान भी क्या हो रहा है कि वो भी लिबरल हो रहा है, वो भी मॉडर्न हो रहा है और वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को और इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर करने के पर ही फोकस कर रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे रिश्ते जो है वो ईरान से भी अच्छे हो गए। हम अफगान को मीम बनाया करते थे और सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने मीम बनाया था अफगान का कि ये देखो ये बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखो ये बनेगा एडुकेशन मिनिस्टर, और आज अफगान आप लोगों से कहीं आगे निकल चुका टेक्नीशियंस में, टेक्निकल चीजों में, डिजिटल चीजों में, असलाह बारूद में, सारी चीजों में आप लोगों से कहीं आगे निकल गया और कितना एडुकेट हो रहा है धीरे धीरे अफगान। तो इसमें अभी अफगान से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मगर नाजिया एक सेकंड, मगर नाजिया अफगान फीमेल्स के साथ क्या करे, अब तो कहते हैं आवाज भी सुनाई ना दे, शक्ल भी दिखाई ना दे, वो सब कुछ तो फिर भी है प्रॉब्लम। रिलीजन क्योंकि वो इस्लामिक देश है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमको करना रिलीजन सिर्फ अफगान कर तो कई जगह जो है ये रिलीजन है, कई दूसरी कंट्रीज है गल्फ की, कोई ऐसे नहीं रहता जो जहालत अफगानिस्तान में तो यहाँ तक हो गया है कि औरतें बोल नहीं सकती हैं। औरतें सिर्फ वो पूरा नेट वाला, आंखों में भी नेट वाला हिजाब पहनेंगी। इवन ईरान के सरकार ने अभी नया बिल पास किया है कि बच्ची की निकाह 9 साल में हो जाएगा। तालिबान ने यहाँ तक कहा है कि महिलाएं जो हैं, वुमेन्स जो हैं, वो अकेले ट्रैवल भी नहीं कर सकती हैं बिना किसी मर्द के, आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी गैर मर्द पर, शक्ल नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए ये उनका रिलीजियस सेंटिमेंट है जिसमें हम तो बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए और करेंगे भी नहीं। हाँ अगर कोई टूरिस्ट वहां पर जा रहा है, अब जैसे मैं वहां पर गई, मैं मजहब से मुसलमान हूँ लेकिन मैं, मेरे पास भारतीय नागरिकता है और मैं
भारत का पासपोर्ट कैरी कर रही हूँ, अब अगर ऐसे में तालिबान के की सरकार जो है वो मुझे आकर के टारगेट करती है, तब भारत और भारत की सरकार जरूर इंटरवीन करेगी, क्योंकि मेरी सभ्यता अलग है, मेरे सिविलाइजेशन अलग है, मेरे संस्कार अलग है, तो मैं तालिबान में भी ऐसे ही घूमूंगी जैसे मैं भारत में रहती हूँ। तो इसलिए टूरिस्ट के ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि वो इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश में अगर वो अपनी औरतों को एक कैद में रखना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक इंटरवीन करना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और नाजिर लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।